अगर ये रेस्ट नहीं करते तो आज हर आदमी पूछता कि वो खालिस्तानी वापस से पंजाब में कैसे सर बना रहे। वो जो पटियाला के अंदर खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगे, आज वो सारा सारा मामला वापस आता। वो जो मिलेर कोटला के अंदर खालिस्तान का झंडा लगाया गया, वहां पर मिलेर कोटला डीसी ऑफिस के बाहर वहां पर खालिस्तान का एक प्ले कार्ड लगाया गया। आज ये क्वेश्चन को कि फिरोजपुर में अरेस्ट हो गई, आज सारा फोकस वहां पर रहना था, उनको इस फोकस को शिफ्ट करना था। दूसरा, कल उन्होंने बिजली दिल्ली में जो बिजली बोर्ड का वादा किया था उससे वापस हो गया। आज अगर ये सब नहीं होता तो आज हर आदमी पूछता कि आपने बिजली बोर्ड का वादा किया था, वो वादे से वापस क्यों हो रहे हो? अब ये तो कहेंगे जो हमको खुले करेंगे उसको देंगे, बाकी को नहीं देंगे। आज प्रश्न ये होने थे, इसलिए उन प्रश्नों से रिवर्ट करने के लिए कि फर्जी मुकदमा बनाकर और ये इलीगल डिटेंशन करकर और ये किडनैपिंग करकर उन्होंने ये डिटेंशन रिवर्ट करने की कोशिश की है। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, हम लोग इसको नहीं चलने देंगे। इस प्रकार से जो धक्का चक्कर है इसको रोकेंगे। हमारी पार्टी बग्गा जी के साथ, हमारी पार्टी कानून के साथ खड़ी है। अज जो पंजाब पुलिस ने दिल्ली के अंदर आके गैर कानूनी तरीके के नाल तजिंदर सिंह बग्गे नूं अरेस्ट किया है, गैर कानूनी तरीके के नाल उहदे घर दे अंदर वड़े ने पंजाब पुलिस वाले, जितना किसी आतंकी अरेस्ट करना हो पिता जी जो कि गुरसिख ने उन्होंने कुटिया, जो वीडियो बनाने लगे अपने बच्चे की सामने कुटमिंदी देख के उन्होंने मोबाइल खोया, उन्होंने कुट के कवरेज मांग किया। तजिंदर सिंह बग्गा बिना दस्तार के, बिना दस्तार के मैं याद करा नंगे सिर कुटते हुए लेके गए। की बनाया तजिंदर बग्गे का? क्या तजिंदर बग्गा आतंकी है? क्या तजिंदर बग्गे ने किसी का कतल किया? नहीं, तजिंदर बग्गे ने अरविंद केजरीवाल के झूठा एक्सपोज किया। तजिंदर बग्गे ने अरविंद केजरीवाल के फ्रॉड नेअसर किया। जितना हमने आरपी सिंह जी ने दसिया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दिया बिल भी होने सर, अरविंद केजरीवाल कहता से साडे कोल नाम है, असं 24 घंटे च लोग अरेस्ट करांगे। तजिंदर बग्गा बार बार पूछ रहा है उन्होंने लोगों को कदों अरेस्ट करोगे, वह तो अरेस्ट नहीं हुए। गुरु ग्रंथ साहब की बेनती करने वाले थे 50 दिन बाद भी अरेस्ट नहीं हुए, लेकिन जिन्हें सवाल पूछा पुलिस 50 लोग है उनके घर पहुंची। पंजाब के अंदर जो इस तरीके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, 40 तो ज्यादा बेगुनाह लोग उन्हें गैंगस्टरों की गोलियों के शिकार हो चुके। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी पंजाब के अंदर दहशतगर्दों की गोलियों के शिकार हो चुके। पंजाब के अंदर नशे के हालात ये लगातार पिछले दिन लोग मारे, 7 लोग हम तक मारे गए, कल 2 नौजवान बच्चों दिया मामा ने लाशा देखी, टीके लगा के मारे गए। तुम उन्होंने नशे तस्करों को नहीं फड़ पा रहे और तुम किस काम लगे जे? उन्होंने लोगों का मुंह बंद करके ड्रोन और कंपाउंड लगे जे, जेडे लोग तुहाडे झूठ नूं एक्सपोज कर रहे। मैं तुम्हें याद करवा चाहता अरविंद केजरीवाल जी, ये धरती पीर फकीर की है, ये धरती उन्होंने योधिया की है जिन्होंने देश के पिछे कुर्बानियां दित्तियां, गला च फांसियों के थंबे ले। सानूं ड्रोन वास्ते औरंगजेब तो लैके जखरिया खान तक बहुत कोशिशां कर रहे हैं, सानूं ड्रोन तो वास्ते गोयल ने बड़िया कोशिशां कीतियां, इस कांग्रेस ने अत्याचार किया, एमरजेंसी ला के उसने ड्रोन की कोशिश की थी। ना कभी पंजाबी डरिया है ना कभी डरे, सिख के अंदर किसी गल का खौफ नहीं पाया, तो सिर्फ गुरु का मन च पाए। जे तू सोच रहे अरविंद केजरीवाल सानू डरा रहे, सानू जेल च भी बंद कर सकते जे, मुकदमे भी दर्ज कर सकते जे, पुलिस को टॉर्चर भी करा सकते जे, पर डरा के मुंह भी बंद करा सकते। अरविंद केजरीवाल ने गलत फहमी दूर कर दी और जिस पुलिस ने गैर कानूनी कार्रवाई की है उन्होंने उत्ते कानूनी कार्रवाई। पंजाब पुलिस की गैर कानूनी कार्रवाई उत्ते मैं इस जगह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिया पहला कहा सी, पंजाब पुलिस को सचेत होने की लोड़ है। अगर वो अपना टूल बन के आम आदमी पार्टी की सरकार वास्ते काम करूगी उन्होंने खमियाजा भुगतना पड़ेगा। गैर कानूनी किडनैपिंग जिहड़ी कीती उत्ते कानूनी कार्रवाई करके किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करिया। असी भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता, देश का कार्यकर्ता तजिंदर बग्गे नाल खड़ा है। इस देश के अंदर जी सरकार किसी को बेइंसाफी नहीं होने दी, ये तो फिर पार्टी का आदमी है। और पंजाब पुलिस ने जो गैर कानूनी काम किया है
उसके उत्ते कानूनी कार्रवाई करके किडनेपिंग का मुकदमा दर्ज किया और अस यकीन नहीं बनावे क्योंकि कोर्ट की रूलिंग और लेटेस्ट रूलिंग 2022 भी है जिसते जस्टिस बिरदू जी ने बड़ा दोबारा तो रिट्रेट किया कि किसी भी सूरत अंदर दूसरे स्टेट की पुलिस आके दिल्ली के अंदर या किसी स्टेट जाके बिना लोकल पुलिस को नाल रहे उन्होंने तो दर्ज कराए बिना किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती इनलीगल डिटेंशन इनलीगल अरेस्ट इस करके किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज होया कानूनी कार्रवाई करांगे और जिन अफसरों ने युद्ध की उन्होंने कानूनी कार्रवाई के तहत अंदर जाएंगे गैर कानूनी का भी देश नहीं होते आगे और अरविंद केजरीवाल ने दोबारा की याद करना देना भगवंत मान जी तुम सिखा बदनाम कर रहे हो तुम पंजाब 1980 के वापस उसे दशक च लेके जा रहे हो जिस दशक च कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने और गांधी परिवार ने जिस तरीके से बदनाम किया सब अतवादी वक्षवादी दसिया उसके रस्ते जा रहे थे सिखा मैं पंजाब के लोगों और दुनिया पांच वास्ते सिखा आगाह करना चाहना अरविंद केजरीवाल देश की सत्ता हासिल करने वास्ते पंजाबियों को बदनाम करेगा सिखा बदनाम करके जेलां च बंद करेगा कुटेगा लुटेगा मारेगा और फिर कहेगा कि देखो मैं अमन शाह की गारंटी में वोटा पाऊ यही काम गांधी परिवार ने किया और राहुल गांधी ने पिछले दिन ट्वीट करके क्लैरिफाई किया कि पंजाब में प्रयोग ना करो बड़ा खतरनाक है क्योंकि हमने क्योंकि पता सोरे फोरफादर ने काम किया सदा खड़ाजा उतना पैसा भी देश में इस करके असि जो ना सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सूर तजिंदर भट्टा के नाल खड़े हैं अरविंद केजरीवाल का एक किरोना चेहरा एक्सपोज करते रहे हैं करते रहेंगे अरविंद केजरीवाल के सूट और जे तरीके लुट सुट कर रहे हैं पंजाब के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके पैसे खर्च कर रहे हैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया खबर छपी है 45 लाख रुपया खर्च करके अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार का गुजरात ले याद रखियो पंजाब सरकार का पंजाब के लोगों का 45 लाख रुपया खर्च करके गुजरात च गए ने अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान ये काम कर रहे पंजाब में लुटन का ये नहीं हो जाएंगे तजिंदर भगे ना जो बेइंसाफी हुई है उन्हें साथ मारे नाल करें और गैर कानूनी जी पुलिस ने कार्रवाई की है उन्होंने उत्ते कार्रवाई करके अंदर बंद करा धन्यवाद पहले एक गल जोड़ी मैं शुक्रवार को शुक्रवार को अरेस्ट करेंगे तो शनिवार ऐतवार जेल नहीं मिले पहली गल दूजी गल लोगों का ध्यान रिफ्लेक्ट करने खालिस्तान के कल लोग बढ़ गए उन्होंने अब पकड़ लगकर उन्होंने पिछले जो कार वो पुलिस को जाने जुड़ते हैं ड्रोन तो समान कितना आ गया उत्थे की पुलिस की कर रही थी उत्थे की पुलिस सुती थी जब असि कहा कि 50 किलोमीटर तक BSF जाएगी तो इन्होंने उसे अवरोध क्यों किया अब स्पष्ट होता है कि वह मामला से लोगों का ध्यान ताकि उस मामले से ना जाए अज का दिन अगर यह मामला ना करते तो सारा ध्यान होना चाहिए खालिस्तान देश उत्ते जो पंजाब वापस बन गए और दूजा जो दिल्ली फ्री बिजली की गल की फ्री बिजली का वापस आ गए हम तो कहते जो कहेगा उन्होंने दवोंगे जो नहीं कहेगा नहीं दवा जो वादा किया वादा वापस आ गया लोगों का ध्यान रखने वास्ते अज का दिन तेंद्र बग्गा की किडनैपिंग की जाती है और धक्के की जाती है पिता जी बदबीजी की जाती है और दस्तार बनने की पटका पा की भी छूट की जाती है इसकी असं कड़ी निंदा करते हैं और सुनिश्चित कर लो केजरीवाल साहब और तुम सोच दो कि देश को अंबेडकर जी के कानून के अलावा अपने हिसाब से तोड़ोगे तो नहीं तोड़ूंगा जैसे हमने शुरू किया था मैं आप लोगों के साथ जरा साझा करना चाहूंगी कि इस विषय के कानून क्या कहता है इस केस टाइटल को कहते हैं संदीप कुमार वर्सेस स्टेट क्रिमिनल पिटीशन नंबर 2189/2018 और ऑर्डर की डेट है 18 अक्टूबर 2019 इस जजमेंट में मैं आपको दो ऑपरेटर पार्टनर से दो पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ और आपको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ हमारा विषय आज इतना गंभीर है उसको क्यों आगे है पैरा नंबर 15 में सब पैरा नंबर 6 में ये लिखा है 15 सब पैरा 6 में ये लिखा है आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ही एज द असाइंड ऑफिसर ऑन द केस शुड इन्फॉर्म द कंसर्न पुलिस स्टेशन ऑफ द पर्पस ऑफ दिस विजिट टू सीक असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन इसी ऑपरेटिव पार्ट में पैरा नंबर 15 में सब पैरा नंबर 29 क्या कहता है और ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें जरा उनका गौर फरमाइए द डेलिंक्वेंट पुलिस ऑफिसर कैन बी डायरेक्टेड टू पे कॉम्पनसेशन अंडर द पब्लिक लॉ एंड बाय वे ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब कि जो इस कानून को लेगा उसे प्रोसीजर को सीआरपीसी के फॉलो नहीं करता जिम्मेदारी उस पुलिस ऑफिसर की मानी जाएगी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की तरह उसे कॉम्पनसेशन भी दिया जा सकता है पब्लिक लॉ के तहत मेरे साथियों कुछ सवाल है सबसे पहले इतनी तेजी कानून के विरोध में जाती है
अगर पटियाला में अगर दिखा देते तो पटियाला में हिंसा नहीं बढ़ती। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी और बहुत अहम बात है, किसके लिए अरेस्ट किया है अतिरिक्त बंगा को? एक ट्वीट करने के लिए क्या कह लिया अरेस्ट किया है कि मुझे जान से मारने की धमकी। मुझे कौन? अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, कहते हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी है। देखिए केजरीवाल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है एंड आई होप आप ही दिखाएंगे। हमने पूर्व में बहुत देखा है कि आप आए दिन एक वीडियो जारी करते थे, ट्वीट करते थे और प्रेस भी करते थे, और एक वीडियो में तो अगर आपको ध्यान होगा है मुझे मोदी जी मार दे, पता चला था कि आपकी खुद नाखुश कार्यकर्ता कभी आपके ऊपर चप्पल उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, कभी आपके ऊपर स्याही फेंक रहे हैं, और आप इस पूरे ड्रामा को रच रहे थे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुझे धमकी दे दें, लेकिन सच्चाई कुछ और होती थी। देखिये मजाक की बात तो ये है, जिस पार्टी में से अंसार और ताहिर हुसैन निकलते हैं वो दूसरों को गलत नहीं बताते, अपने खुद के कार्यकर्ताओं पे लगाम है नहीं, और जहां पे आपको पुलिस मिल रही वहां पे आपने उसका मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी, मिसयूज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड होम डिपार्टमेंट करना शुरू कर दिया। और आपने अधिकतर बाबा को इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि उन्होंने एक मुहावरा जैसा सा ट्वीट कर दिया। तीसरा सवाल मेरा ये है, और मैं सच में कानून के दायरे में रहकर पूछना चाहूंगी, अगर एक तेजेंद्र बग्गा के ट्वीट से जो आपकी विधानसभा में कहीं पार्टी के रिस्पॉन्स में ट्वीट किया गया था आपको जान का खतरा हो गया, तो बताइए केजरीवाल जी आपके ऊपर कौन सी दवा के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि आपने तो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को, उनकी आपबीती को, उनके ऊपर की गई पीड़ा को, वायलेंस को, जिस तरीके से उनकी क्लेंसिंग हुई, एक्सोडस हुआ, इस सब को झूठा करार कर दिया था।